सो ऑफिसर्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक शेर याद आ रहा है कि न हिंदू है चैन से, न मुसलमान है सुकून से, सियासत मजे में थी, सियासत मजे में है। अब देखिए, जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सियासत, तो असल में ये शब्द हमारे व्यवहार में सरकार की, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तय करने के लिए आता है कि सरकारें क्या कर रही हैं। और ये सरकार शब्द कई बार बड़ी सारी जिम्मेदारियां खड़ी करता है, रिस्पॉन्सिबल वर्ड है बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है, हमारी आप सबकी डेवलपमेंट, हमारा कई बार एग्जिस्टेंस के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सरकार है। तो आज के दिन का जो हमारा डिस्कशन है वो छठी क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 3, जो यही है सरकार क्या है। मैं अरुण त्रिपाठी दीक्षांत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, क्लासेस को एनसीईआरटी क्या कहती है उसको समझने से पहले एक मोटे तौर पे एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है कि क्या है ये गवर्नमेंट, क्या है ये सरकार, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और पुराने जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उसका भी एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं। अब देखिए, हमने जो पिछली क्लासेस में अभी तक समझा, हमने समझा कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र देश, यहां अगर अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें, हमारे देश की, हम अपने देश के संदर्भ में बात करें, इसकी अगर हम प्रकृति की बात करें तो ये विविधताओं से भरा हुआ है, विविधताओं से भरा हुआ देश है हमारा। और फिर हमने ये बात की थी पहले टॉपिक में, विविधता पूरा बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। और इसके लिए हमने समझा था जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस हैं डिस्क्रिमिनेशंस, भेदभाव, हमने ये समझा था। एक बहुत बड़ा चैलेंज है भेदभाव के रूप में, हमने समझा था कि ये तमाम सारे इसके कारण है, पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस माइंड है। बहुत डिटेल में हमने अपने दूसरे अध्याय में इसको डिस्कस किया था। और इस भेदभाव का जो कारण है वो मतलब इसका जो परिणाम है वो क्या हो जाता है, परिणाम इस भेदभाव का होता है साहब, जातीय संघर्ष बढ़ जाता है। हमने समझा था इसको, जातीय संघर्ष बढ़ जाएगा, धार्मिक संघर्ष बढ़ जाता है, आर्थिक खाई, जो बहुत आर्थिक जो डिफरेंसेस हैं, अंतर बहुत आने शुरू हो जाते हैं, जेंडर गैप में बड़ा सारा जो लैंगिक संघर्ष है, लैंगिक भेदभाव, और इन सभी का खामियाजा उठाना पड़ता है हम सभी को कलेक्टिवली, हमारे पूरी समाज को और फिर देश को, अलग अलग आयामों में। हम अपने अलग अलग सेगमेंट्स में इसको डिस्कस भी करेंगे। तो ये सब हमने पिछली क्लास में बहुत डिस्कस भी किया था। अच्छा, अब अगर हम इसके उपाय की बात करें कि ऐसे क्या क्या कोई तरीका है कि इन सारे संघर्षों को हम रोक सकें, ठीक है, तो इन सारे संघर्षों को रोकने के लिए अगर हम बात करें तो अगर कहीं कोई एक अवसर क्रिएट हो जाए, अवसर सभी के लिए, हम सभी के लिए, हमने अपना पहला जो प्रीएम्बल में पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो अवसर किसके लिए, हम भारत के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए। कैसे अवसर, शिक्षा के अवसर। आप देखिए, जितनी शिक्षा बढ़ती जाएगी हमारी समझ बढ़ेगी, ठीक है, और जितनी समझ बढ़ती है भय उतना कम होता है, तमाम सारे संघर्षों को समझने में मदद आएगी, हम रूट कॉजेस को समझ पाएंगे, जो मूल कारण है किसी भी समस्या का उसको हम समझ पाएंगे, ठीक है। शिक्षा, हमको स्वास्थ्य भी चाहिए, हमारी हेल्थ भी इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है, इतना ही नहीं, हमारे पास सुरक्षा होनी चाहिए, सिक्योरिटी, देश के अंदर भी सुरक्षा, बाहरी देशों से भी सुरक्षा, कि हमारे देश के उपलब्ध संसाधन है वो सुरक्षित रहे, देश की जनता सुरक्षित रहे, बाहरी तत्वों से भी, आंतरिक जो डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाले, इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाले जो लोग हैं उनसे भी हमारी सुरक्षा हो सके,
ठीक है। यहाँ इतनी ये सारी चीजें ही नहीं, इसका हमारे हम सबके सामने अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या बोलते हैं, विकास के अवसर, विकास के अवसर होने चाहिए। ये सारी चीजें आप देखिए, ऐसे ही तमाम एक लिस्ट है पूरी, हमारी जो एक ह्यूमन डिग्निटी है वो और इम्प्रूव होनी चाहिए, मानवीय गरिमा हम नागरिकों की वो और ज्यादा बढ़नी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए, होते रहनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और इन सब चीजों को अगर इंश्योर करना है तो जो हमारा समाज है उसको एक कोई संस्था डिसाइड करनी पड़ेगी कि यार इसको सौंप दो, इसको ये सारी चीजें डिसाइड करेगा। और ऐसी ही चीजों की डिमांड के फलस्वरूप जन्म होता है स्टेट का, राज्य का। राज्य शब्द हालांकि बहुत व्यापक शब्द है, राजनीतिक शास्त्र में इसको इसके बड़े सारे एस्पेक्ट हैं जिसके जिस पे हम अध्ययन करते हैं, संविधान, भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 में अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन मोटे तौर पे आप राज्य अगर हम एक बहुत आसान भाषा में जो बड़ा प्रचलित सी परिभाषा है, हम विद्वानों के अलग अलग मतों में ना जाएं, उसके बहुत डिटेल में ना जाएं, बहुत आसान भाषा में समझें जिसमें सभी लोग सहमत हैं कि राज्य होने के लिए चार तत्वों का होना आवश्यक है। कि अगर स्टेट है कोई तो चार तत्वों को होना आवश्यक है। एक तो कि साहब एक बाउंड्री, एक सर्टेन बाउंड्री हो, एक टेरिटरी हो, एक निश्चित सीमा हो, ठीक है, एक भौगोलिक सीमा हो, ठीक है। केवल सीमा होने से काम नहीं चलेगा, एक उस सीमा में एक निश्चित जनसंख्या, एक निश्चित सर्टेन पॉपुलेशन रहनी चाहिए, एक निश्चित जनसंख्या हो, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं, ये गवर्न होनी चाहिए एक मैकेनिज्म के साथ, यानी कहने का मतलब एक सरकार हो, एक गवर्नमेंट हो। और चौथी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वो सॉवरेन हो, संप्रभु हो। अगर ये चार तत्व मिल जाएं तो हम किसी को स्टेट कहते हैं, ऐसी एक संस्था जिनमें इन चार तत्वों का संकलन है, हम उसको राजनीति विज्ञान की भाषा में राज्य कह देते हैं, स्टेट कह देते हैं। यानी क्या क्या, एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी हो, एक निश्चित सीमा हो, एक निश्चित भूभाग हो, इस निश्चित भूभाग में कुछ सर्टेन पॉपुलेशन निवास करती हो, एक निश्चित जनसंख्या रहती हो, उसकी उसको चलाने का अपना एक मैकेनिज्म हो, एक मशीनरी हो, एक पॉलिटी हो जिसको हम गवर्नमेंट कह सकते हैं, और वो संप्रभु हो, सॉवरेन हो, अपने सभी निर्णय वो स्वयं लेता हो। तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो हम इसको राज्य कहते हैं। अच्छा, अब ये राज्य आपने समझ तो लिया मोटे तौर पे, हाँ हाँ ठीक है, मोटे तौर पे बात समझ में आ गई, लेकिन ये बड़ी अमूर्त चीज है ना, कि अगर आपको कभी कोई शिकायत करनी हो, स्टेट से शिकायत करनी हो, या कुछ फैसिलिटेशंस को क्लेम करना हो, तो वो कहाँ मिलेगा, वो स्टेट कहाँ मिलेगा आपको। तो ये सारी चीजें बहुत अमूर्त हैं, मतलब उसको एकदम ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है। तो फिर इसकी एक मूर्त अभिव्यक्ति होनी चाहिए, इसका एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, एक फिजिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो इसमें इसीलिए इस राज्य को अगर मूर्त रूप से इसकी अभिव्यक्ति की जाए तो हम फोकस करते हैं कि साहब ये सरकार, ये गवर्नमेंट, ये सरकार आ जाती है। ये गवर्नमेंट एक तरीके से राज्य का एक मूर्त अभिव्यक्ति है, जिसको आप कहेंगे कि एक फिजिकल एक्सप्रेशन है, मतलब गवर्नमेंट इज अ फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेट। अगर इसको एक लाइन में, बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोलें तो सरकार असल में क्या हुआ कि राज्य की मूर्त अभिव्यक्ति है। ठीक है, अभी और समझते हैं इसको डिटेल में। तो इससे एक चीज तो पता चल गया कि राज्य अगर बहुत टेक्निकली हम देखें तो ज्यादातर बड़े सारे पॉलिटिकल साइंस के विद्वानों ने तो राज्य और सरकार को एक मान लिया है, लेकिन बड़े सारे विद्वानों जिसमें लास्की बड़ा उनका महत्व है, हालांकि हम अभी उन पे बात नहीं करेंगे, हमको छठी क्लास के एनसीईआरटी के संदर्भ में बात करनी है, ये उसी की भूमिका है। तो उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, राज्य अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। तो उसको, उस डिफरेंसेस को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि अगर पूरा शरीर, और इस शरीर में एक मस्तिष्क, तो मस्तिष्क शरीर नहीं है, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ दिस बॉडी। तो
इसी तरीके से हम सरकार और राज्य को देख सकते हैं। राज्य अगर पूरा शरीर है तो मस्तिष्क के रूप में सरकार एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसका। तो और सरी तरीके से अभिव्यक्त करें वही तो मूर्त एक अभिव्यक्ति है सरकार। अच्छा, अब सरकार बाकी डिफरेंसेस भी अभी समझेंगे क्या है। तो अब चीजें क्या हो गई कि चूंकि यहां चैलेंजेस आप देख रहे हैं बहुत सारे हैं, ये सारी चीजें करनी है, और एक जो भी स्टेट को ये सारे फैसिलिटेशंस देने हैं, तो ये जो भी संस्था बनेगी वो मानवों से निर्मित होगी। ठीक है, मानवों से निर्मित होगी, मानवों से निर्मित होगी। तो यही वजह है कि राज्य को अगर अपनी शक्तियों को अभिव्यक्त करना है, उसको एक्सप्रेस करना है, तो उसको एक ऐसे संगठन की आवश्यकता होगी जो इंसानों से बनी हो। तो एक तरीके से अगर आप कह लीजिए तो जो मानव संगठन है, जो राज्य की शक्तियों का उपयोग करके राज्य के सदस्यों यानी जनता को सुविधाएं देता है, वो सरकार कहलाता है। थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन हो गई, लेकिन फिर भी अभी इसको बातों बातों में आप और इसको डिटेल में समझेंगे। यानी मैंने इसको बहुत आसान भाषा में अगर हम कहें तो क्या कहेंगे कि सभी जो संस्थान है वो व्यक्तियों से मिले हैं, सब इंसानों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए जो राज्य है उसको व्यक्तियों के संगठन की जरूरत है। ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें इंसान सारा मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक संगठन जो इन सारी चैलेंजेस को जिम्मेदारी से उत्तरदायित्व के साथ निपटाता हो, तो हम मोटे तौर पर इसको सरकार कहते हैं। अच्छा, अभी हम संविधान भी जब पढ़ेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना फुल फ्लैश कोर्स पर आएंगे, तो हम इसको और बहुत डिटेल में समझेंगे। संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनका हवाला लेते हुए पढ़ेंगे कि कैसे किस तरीके से हमारे देश को, इसकी टेरिटरी को, जनसंख्या को, कैसे हमारे अधिकारों को डिफाइन किया गया है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक मूल चीजें आपकी, एक मोटी समझ आप सभी की बन जानी आवश्यक है। अच्छा, अब यहां पर ये बात तो समझ में आ गई कि साहब एक गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट चाहिए जो इन सारे चैलेंजेस को को एक्सेप्ट करे, ना केवल एक्सेप्ट करे, उनको दूर करने का प्रयास करे। यानी एक अथॉरिटी, बेसिकली जब सरकार वर्ड आप कहते हैं तो आपके दिमाग में मोटे तौर पे लगता है कि आप किसी ऐसी अथॉरिटी के बारे में बात करें जो कमांड्स दे सकती है। नहीं, ठीक है, आप जैसे कई बार हम अपने व्यवहार में भी किसी को कह देते हैं ये सरकार है, ठीक है, हमारे सरकार है, हमारे सरकार मतलब ही एज अथॉरिटी टू गिव अस कमांड, तो हमको आदेश दे सकते हैं वो, हमको कमांड मतलब उनके पास एक कोई अथॉरिटी है, कुछ प्राधिकार है। ठीक है, तो वैसे हमारे यहां भी जो जो स्टेट, जो गवर्नमेंट है, वो ऐसे ही अधिकृत लोगों का समूह है जो पूरी देश को, पूरी व्यवस्था को गवर्न करते हैं। तो मोटे तौर पर हमको सरकार कहते हैं। अच्छा, अब चूंकि हमारा संविधान राज्य को यह निर्देश देता है, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमारे संविधान राज्य को निर्देश देता है, स्टेट को यह निर्देश देता है, क्या निर्देश देता है कि ये फैसिलिटेट करे, सुविधाएं पहुंचाए, किसको, जनता को, ये जनता को सुविधाएं पहुंचाए। और जनता को सुविधाएं क्यों चाहिए, ताकि जनता अपना विकास कर पाए, अपनी डेवलपमेंट कर पाए। कहानी क्लियर है, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में जनता का ही शासन है, जनता का ही विकास केंद्र में होता है। तो यहां संविधान हमारा, हम डिटेल में पढ़ेंगे भी जब कॉन्स्टिट्यूशन पर आएंगे, तो हमारा संविधान निर्देश देता है राज्य को कि वो जनता को सुविधाएं पहुंचाए ताकि जनता अपना डेवलपमेंट कर पाए। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि जनता को सुविधाएं चाहिए अगर उसको अपना विकास करना है, तो जनता को सुविधाएं देने का काम ये एक दिन का काम तो है नहीं, ये तो बहुत रेगुलर एफर्ट है। और अगर रेगुलर एफर्ट से ये करने हैं तो स्टेट नीड अ स्ट्रक्चर, राज्य को एक संरचना की आवश्यकता होगी। ठीक है,
संरचना की आवश्यकता होगी। जैसे अगर हमको ये क्लासेस आप तक पहुंचानी है, आप देश के अलग अलग भाग में बैठे हुए इस क्लास को देख रहे हैं, मैं यहाँ दिल्ली से ये क्लासेस प्रसारित कर रहा हूँ, तो वी नीड दिस स्ट्रक्चर, ये बोर्ड, कैमरा, इंटरनेट कनेक्शंस, तमाम सारे जो ये मशीनरी है, वी नीड ऑल दीज थिंग्स। तो हमको इन सभी चीजों की आवश्यकता है, तो वी नीड दिस मैकेनिज्म, वी नीड दिस स्ट्रक्चर। तो इसकी आवश्यकता, एक दिन की बात होती है, हम कैसे भी कहीं भी खड़े खड़े बात कर सकते थे, लेकिन अगर रोज आना आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस देनी है, रेगुलर ये फैसिलिटेशंस देना है, तो हमको इस पूरी संरचना की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से चूंकि स्टेट को रेगुलर फैसिलिटेशंस देना है, रेगुलर सुविधाएं देना है, तो राज्य को भी एक संरचना की आवश्यकता होगी। तो हमने समझा है कि राज्य का जो मूर्त स्वरूप है वही गवर्नमेंट कहलाता है, यही सरकार कहलाती है। तो इसकी भी व्यवस्था की जाती है कि ठीक है ये सरकारें सुविधाएं देंगी, तो इसके तीन पार्ट्स होंगे, इस सरकार के तीन पार्ट होंगे। एक कहलाएगा लेजिस्लेचर, जिसको आप बोलते हैं विधायिका। एक होगा एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसको आप कहते हैं कार्यपालिका। और तीसरा जुडिशरी, जिसको आप कहते हैं न्यायपालिका। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे स्टेट के, एक विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका नाम से ही स्पष्ट है, विधि बनाने वाली। दिस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉज, पूरे देश को कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या कानून होंगे, कैसे नियम रेगुलेशंस कैसे बनेंगे, ये सब काम, ये बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, विधायिका की, लेजिस्लेचर की। ठीक है, तो लेजिस्लेचर विल डिसाइड हाउ टू रन, हाउ टू मेक लॉज, यानी टू मेक लॉज, दिस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉज, ये पूरे देश के लिए कानून बनाने के लिए जो जिम्मेदार संस्था है वो कौन होगी, विधायिका होगी। अच्छा, जो कानून विधायिका ने बना लिया इसको लागू कौन कराएगा, कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी जो भी कानून विधायिका ने बना दिया उसको लागू कराने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होगी। अच्छा, अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, कहीं कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, कुछ मतभेद है, तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, न्यायपालिका की। तो ये तीनों तीन बॉडीज हो गई सरकार की, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक कानून बनाएगी, दूसरा उसको लागू कराएगी, और तीसरा कहीं कोई विवाद होने पर, डिस्प्यूट होने पर न्याय देगी। खूबसूरती क्या है हमारे सिस्टम की, ये तीनों सेपरेटेड है विद देयर पावर्स, तीनों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। मतलब जिसका जो काम है वो वही करेगा, दूसरे किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। मतलब इनका काम है कानून बनाना, केवल कानून बनाएंगे, ये ना तो इसको लागू कराने की कोशिश करेंगे, ना ही न्याय देने की कोशिश करेंगे। ऐसे इनका जो काम है वो वही करेगा, दूसरे किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो एक कानून बनाएगी, दूसरा उसको लागू कराएगी, और तीसरा कोई विवाद होने पर न्याय देगी। इतनी कहानी क्लियर है। ओके, अब ये बात समझ में आ गई कि स्टेट को फैसिलिटेट करना है सिटीजंस को, और इसके लिए उनको एक संरचना की आवश्यकता होगी। तो ये संरचना की कल्पना हो गई कि साहब ये तीन बॉडीज के रूप में राज्य संरचना, राज्य सुविधाएं देगी जनता को। बट एक और चैलेंज है हमारे सामने। क्या चैलेंज है कि हम अपने पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं का देश है हमारा। तो विभिन्नताओं का देश है, मतलब अभी किसी ने पूछा भी था कि विविधता का अर्थ एक बार और समझा दीजिए, हमने ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन फिर एक बार हम समझ लें, विविधता मतलब कि वी हैव डिफरेंसेस नॉट इनइक्वालिटीज, हमारे दो व्यक्तियों के बीच में अंतर है। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि हम असमान हैं। तो हम जब असमानता, असमानता इनइक्वालिटी इज अ नेगेटिव वर्ड, जबकि विविधता, डाइवर्सिटी इज अ पॉजिटिव वर्ड। तो विविधता है, वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, यहां अलग अलग भाषा, धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल के लोग हैं। तो तमाम सारे ग्राउंड्स पर बड़े सारे अंतर है, डिफरेंसेस हैं हमारे देश में। तो इतनी विविधताओं वाला देश है, और इतनी विविधताओं वाले देश में सभी के लिए एक समान कानून बना पाना, लागू करा पाना बहुत चैलेंजिंग है। कैसे करते हैं हम ये, तो हम ये कैसे करते हैं, आप देखिए हमने क्या किया है कि अपने पूरे देश को हमने अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है।
आप ऐसे कई सारे लोग क्लासेस में मेरे से पढ़ भी चुके हैं, हम ये सब वहां बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में हमने डिवाइड कर रखा है, तो डिवाइड कर रखा है तो क्या हमने देश का बंटवारा कर दिया, हमने पूरे देश को बांट दिया अलग अलग भाग में? नहीं, ये एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टीशन, एक तरीके का प्रशासनिक बंटवारा है कि सबकी जरूरतें अलग अलग हैं, लेट देम डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर देम, ये इन्हीं को तय करने दिया जाए, इनकी जरूरतें अलग हैं, इनकी परिस्थितियां अलग हैं, इकोनॉमी भूगोल सब अलग है, इन्हीं को अधिकार दे दिया जाए। भाई आप देखिए, आप अपनी जरूरतों को ज्यादा बेहतर समझते हैं, आप तय कीजिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, ये अपना सब अपना अपना तय करें। जैसे आप अपना ही एग्जाम्पल लीजिए कि आप मान लीजिए यहां गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और आपके घर में आपके पिताजी किसान है सपोज, तो अब आप अपने किसान पिता से पूछिए कि पिताजी मुझे आईएएस करना है, कौन सी कोचिंग अच्छी रहेगी, ये मैथ्स क्या, ये क्या कहते हैं, कैसे सीसेट तैयार करूं, कैसे मैं अपना जीएस तैयार करूं, ऑप्शनल पेपर के लिए क्या करूं, मदद कर पाएंगे वो आपके पिताजी? किसान पिता आपकी मदद कर पाएंगे? कहेंगे भाई तू देख ले कौन सी कोचिंग कौन सी किताब, मुझे तो बस ये बता दो कि किताब कितने की आएगी, कोचिंग की फीस कितनी है। आपके भाई बहन है अगर मान लीजिए कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी, क्या वो आपकी मदद कर पाएंगे? नहीं, आप ही को फाइंड आउट करना पड़ता है, आप ही गूगल सर्च करते हो, आप कई बार ऑफलाइन मार्केट में आते हो, अलग अलग कोचिंग्स में जाते हो, डेमो लेते हो, तमाम सारी इंक्वायरीज करते हो। तो आपके परिवार वाले एक सर्टेन लेवल से ज्यादा आपकी मदद नहीं कर पाते, आप ही को डिसाइड करना पड़ता। अच्छा, आप भी उनके काम में एक सर्टेन लेवल से ज्यादा मदद नहीं कर पाते, लेकिन इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद आप सब हो कौन? एक ही परिवार के सदस्य, एक ही साथ, एक ही छत के नीचे रहते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? तो मैनेज करने जैसा कुछ है ही नहीं, आप अपने सारे डिसीजंस खुद लेते हो, जब पूरे परिवार के बारे में डिसीजन लेना होता है पिताजी लेते हैं। सेम स्टोरी कि चूंकि वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं का देश है हमारा, तो अलग अलग सबकी जरूरतें, भाषा संस्कृति भूगोल अर्थव्यवस्था सब अलग अलग, तो हमने इसका एक प्रशासनिक विभाजन कर रखा है, अलग अलग राज्यों में बांट रखा है कि आपकी जरूरतें अलग हैं, आप ज्यादा बेहतर समझोगे आपकी क्या जरूरतें हैं, तो अपने लिए आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है, ये सारी चीजें आप अपना करो, ये अपना सब अपना अपना करें। जब पूरे देश के लिए डिसाइड करना होगा तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक केंद्र सरकार होगी जो ये तय करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए कि अगर ये राज्य को ये जो राज्य है इसके तीन भाग हो गए, मतलब दो लेवल हो गए, यू कैन से दो यूनिट्स हो गई, दो इकाइयां हो गई, दो स्तर हो गए, आप इसको समझ सकते हैं। एक हो गया सेंट्रल लेवल जिसको आप केंद्र सरकार कहते हैं, दूसरा हो गया स्टेट लेवल जिसको आप राज्य सरकार कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये राज्य सरकार, इसके नीचे एक लोकल गवर्नमेंट भी होती है जिसको आप स्थानीय सरकार कहते हैं, ये स्थानीय सरकार गांव में है तो क्या कहलाती है, पंचायत, और यही शहरों में है तो म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, नगर पालिका, अलग अलग चीज हम डिस्कस करेंगे। तो चूंकि बेसिकली ये इसी लोकल गवर्नमेंट भी स्टेट का पार्ट है तो हम इस पर फोकस करते हैं, बाकी चीजें अभी अपने आप समझ आएंगी हमको इसी कक्षा में, अगले वाला टॉपिक ये लोकल गवर्नमेंट ही डिस्कस करने हैं आपसे बहुत डिटेल में। तो यहां अब एक बात तो समझ में आ गई कि अगर सरकारों को ये सुविधाएं रेगुलर देनी है, हर लेवल पे देनी है, सेंट्रल स्टेट हर लेवल पे देनी है, तो हमको ये तीनों बॉडीज दो सेट में चाहिए, एक पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तभी तो हम हर लेवल पे ये फैसिलिटेशंस दे पाएंगे। तो आप देखिए, जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती है तो क्या कहलाती है, पार्लियामेंट, ये संसद कहलाती है। जब यही स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करती है तो इसी को हम स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। इसको आप विधानमंडल कहते हैं, विधानसभा, विधान परिषद इसी का भाग होता है, हम डिटेल में बात करेंगे। यही कार्यपालिका जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती है तो इसमें कौन कौन शामिल हो जाते हैं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यही जब स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करती है तो गवर्नर,
चीफ मिनिस्टर और इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी मंत्रिपरिषद। यही न्यायपालिका जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती है तो सुप्रीम कोर्ट कहलाती है, जब स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करती है तो हाई कोर्ट कहलाती है। आप देख रहे हैं यही पूरा स्ट्रक्चर है हमारे देश में सरकार का। हमको न केवल इस कक्षा में छठी क्लास की एनसीईआरटी में, आने वाले अन्य कक्षाओं की जो एनसीईआरटी है उसमें भी इन्हीं चीजों के पार्ट्स को, अलग अलग चीजों को पढ़ना है। और ये जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी तो आपके तमाम सारे, आप जानते हैं कि खास करके आपके जो सेकेंड पेपर है, जो पॉलिटी का है, गवर्नेंस है, उसमें सारी चीजों को समझने में मदद मिलती है। सोसाइटी के आस्पेक्ट जो तमाम सारे इश्यूज पढ़ते हैं आप, चैलेंजेस पढ़ते हैं, अलग अलग स्थितियां क्या हैं, तो उसमें जो हमारी जो गवर्नेंस बॉडी है, जो हमारी सरकारें काम करती हैं, उसकी समझ बहुत बेहतरीन होती है आपकी। आप सिक्योरिटी पार्ट में भी चूंकि स्ट्रक्चर से आप अवेयर हो जाते हैं तो आप समझ पाते हैं कि हमारी सरकारें उसमें कैसे भूमिका निभा पाती हैं। यहां तक कि इथिक्स के पेपर में, खास करके जब आप केस स्टडीज वगैरह पढ़ते हैं और वहां आपकी अपनी राय, अपनी उपयोगिताएं पूछी जाती हैं कि एक अधिकारी के रूप में आप क्या निर्णय देंगे, तो हमारी व्यवस्था की संरचना की बेहतर जानकारी आपके डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करती है। तो कई सारे एस्पेक्ट्स में ये मदद करती है। और फिर इससे तो बहुत मदद मिलती है एनसीईआरटी को पढ़ने से, और इंटरव्यूज वगैरह में भी आप जानते हैं इसकी भूमिका बहुत ज्यादा है। तो ये एक मोटा स्ट्रक्चर था जो हमने अभी समझा था। अब आ जाइए सीधे सीधे हम उस बात पे पहुंचते हैं कि एनसीईआरटी हमारी कहती क्या है। अब आइए आगे, अब आते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। लीजिए पहला ही जो चैप्टर है, यहां आपके लक्ष्मण जी के कार्टून से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, यहां कोई नेताजी विजिट करते हुए जा रही है, सारे बड़ा महत्वपूर्ण है, आपका सोचने का नजरिया ये बिल्डअप करता है, तो जरूर आपको इस सब पे ध्यान देना चाहिए कि नेताजी कोई विजिट कर रहे हैं, वो लाइन लगी है पानी भरने के लिए, तो कहते हैं हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। मतलब नेताजी लोग ये नहीं देख रहे कि इस गांव में आ रहा है, दूसरे किसी गांव में आ रहा होगा, इसका मतलब कि ठीक है, बढ़िया है हाल। ठीक है, एक व्यंग है। ठीक है, इस तरीके से कुछ कार्टून के व्यंग थे इसमें। फिर आता है यहां आर के लक्ष्मण जी का एक स्टेटमेंट है, लोकतंत्र में कार्टूनिस्ट का काम यह है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप सभी लोगों को इस बात को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए कि आपका एक नागरिक के रूप में हो सकता है किसी राजनीतिक दल के प्रति बड़ा झुकाव हो, आपकी पसंद हो, उसकी आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी से मैच करती हो, तो एक व्यक्ति के रूप में आप किसी को पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, आपका अधिकार है। आपने अपना प्रेम अपने वोट के माध्यम से दर्शा भी दिया, ठीक है कि आपने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति भी कर दी उस पार्टी को अपना वोट देकर। अब जैसे ही आपने वोट डाल दिया उसी पल से आपको नागरिक हो जाना चाहिए, आपको उस राजनीतिक दल का सदस्य बन के नहीं रहना चाहिए, आपको जनता की भूमिका में आ जाना चाहिए। और जनता का मतलब ही है कि वो विपक्ष का रोल अदा करे, क्योंकि जिस सरकार को उसने चुना है वो निश्चित उद्देश्यों के लिए चुना है, उन उद्देश्यों की जितनी बेहतर जनता की वो समझ, जितनी जनता के पास जितनी बेहतर समझ होगी, सरकारों का उत्तरदायित्व तो उतना ही बढ़ेगा, उतनी ही ज्यादा उत्तरदायी सरकार होंगी। तो जनता जितना अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी, सरकारें उतनी ही उत्तरदायी होंगी। हम जितने ही अपने अधिकारों को से मुंह मोड़ते जाएंगे, सरकारों की निरंकुशता बहुत बढ़ती जाएगी। अभी आप जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी मिली है आर्टिकल 19A के तहत, और अभिव्यक्ति की आजादी आपको अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का, सवाल पूछने का अधिकार देता है, आलोचना करने का अधिकार देता है। तो यहां आर के लक्ष्मण साहब कहते हैं कि साहब कार्टूनिस्ट का काम ही है कि एक बार वो आलोचना करे, अपनी बातों को बताए, सरकार की कमियों को हाईलाइट करे। न केवल कार्टूनिस्ट का, हम सभी लोगों का ये दायित्व है, चूंकि हम एक लोकतंत्र है और भी हम लोकतंत्र को समझेंगे भी आगे, कि लोकतंत्र में चूंकि जनता की ही सरकार है, हमारी आपकी सरकार है, वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ पावर फॉर ऑल सिस्टम, तो हम वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी जागरूकता को बढ़ाएं। तो एक बड़े अच्छे कोट के साथ ये चैप्टर शुरू होता है,
अच्छा, उसके बाद ये हेडिंग है, इस चैप्टर का नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है। ये चैप्टर का नाम ही अपने आप में एक बड़ा मौलिक सवाल है जो आप सभी अभ्यर्थियों के दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सरकार क्या है, यहां इसी की भाषा से कोशिश करते हैं समझने की। मोटे तौर पे एक फ्रेमिंग हम समझ ही चुके हैं, अब आइए ये क्या कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा, जी सुना है, इस पाठ में आप यह पढ़ेंगी। अच्छा, यहां एक बड़ी अच्छी चीज है, ये भी आपने नोटिस किया होगा कि चूंकि हमारे देश में शिक्षा का स्तर वैसे ही बड़ा गड़बड़ है, ठीक है, कितनी साक्षरता है हमारे देश में, फटाफट कमेंट कीजिए, साक्षरता कितनी है एग्जैक्ट बताइएगा। What is literacy rate in our country for now? वर्तमान में हमारे देश की साक्षरता का प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो यहां इस बात का जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, देखें आपकी क्या जानकारी है। तो यहां अच्छी बात क्या है कि एक तो साक्षरता का प्रतिशत ही वैसे ही डमाडोल, साक्षरता की परिभाषा में जाएंगे तो कठिनाई और ज्यादा है, उसमें भी महिला साक्षरता, ये भी बताइए महिला साक्षरता कितनी है बिना गूगल किए, तो महिला साक्षरता की स्थिति और ज्यादा गड़बड़ है। तो कितना खूबसूरत है कि एनसीईआरटी ने एक स्टूडेंट जो कि एक बच्ची है उसको संबोधित करते हुए ये सारी चीजें लिखी है। कितनी खूबसूरत चीज है, आप देखिए कि ताकि बच्ची जब कोई लड़की खास करके पढ़े तो उसको लगे कि नहीं यार ये एनसीईआरटी मेरे से बात कर रही, तो बहुत अच्छा प्रयास है। कई सारे लोगों के आंसर आ भी गए, ठीक है, यूपीएससी वाले स्टॉर्मी, अच्छा बाप रे बाप कितने टफ टफ नाम है, ये आप लोगों की ओरिजिनल आईडीज होती हैं। ओके, सबके सबके आंसर आ गए, कुछ लोगों के सही भी हैं, कुछ लोगों के गलत भी हैं, ये आप चेक कीजिए, आपका होमवर्क है कि साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है। ओके, तो यहां कहता है कि आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा, इस पाठ में आप यह पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार के बीच में क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, यहां कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है, सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा। ध्यान रखिएगा ये लिखा हुआ है छठी क्लास के बच्चे को समझाने के लिए, लेकिन हमारे आपके लिए भी एक बार खास करके उन अभ्यर्थियों के लिए जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार ये क्लासेस ये छोटी छोटी बातें चीजों को एक विजन देने के काम आती, जो मैंने आपसे पहले भी बात की आगे भी करता रहूंगा। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि कितने खूबसूरती से इन सारी चीजों को प्रेजेंट किया गया है, और कुछ और नहीं तो एटलीस्ट आपको प्रेजेंटेशन तो समझ में आ ही जाएगा कि एनसीईआरटी मुश्किल सी बात को कितने आसान तरीके से प्रेजेंट करती, ये भी बात आप सीखेंगे। ओके, तो सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार कोयला और बिजली विभागों का पुनर्गठन के पक्ष में है, सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में डिसीजन, चाहे वो आपदा हो उसके प्रबंधन का मामला हो सरकार जिम्मेदार है, चाहे वो क्या कहते हैं कोई कामगारों के भत्ते सैलरी या उनकी समस्याओं के निदान की बात हो सरकार जिम्मेदार है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन सभी जो हमारी आवश्यक चीजें भी हमने डिस्कस भी किया है उन सब के लिए जिम्मेदार सरकार है। ओके, फिर यहां एक एक्सरसाइज है, हम ये पढ़ते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, सड़कें और स्कूल कहां बनाए जाए, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम को कैसे घटाया जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है, उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद के लिए करने के लिए कई कार्यक्रम लाती है। इनके अलावा वो अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है जैसे डाक एवं रेल सेवाएं, यानी लगभग पब्लिक सेक्टर की जिम्मेदारी सरकार के पास होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंच सके, चाहे वो कम्युनिकेशन हो रेल के माध्यम से, बसेस के माध्यम से, रोड के माध्यम से, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, शिक्षा, हमने ये बात भी की स्ट्रक्चर में कि ये सारी चीजें हमें चाहिए और ये सबकी जिम्मेदारी सरकार की आती। देखिए मैं यहां कोई समरी आपको नहीं बता रहा हूं, लाइन बाय लाइन आपके साथ पढ़ रहे ताकि इस वीडियो के बाद आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, तो मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूं। ओके,
यहां सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा, हमने बात की सिक्योरिटी, सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदाएं घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं, ये भी सरकार, न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। अब आप देखिए, ये कहने के लिए तो बड़ी ऐसे छोटी सी बात है, ये सारी बातें जो आपने यहां पर समझी तो ये तो एक सामान्य सी बातें हैं, लेकिन जब भी आप बात करेंगे, कई बार आता है प्राइवेटाइजेशन के फायदे या नुकसान, ठीक है, ये जो क्या कहते हैं सारा निजीकरण के विषय में बातें आ जाएंगी, अपने आप ये पैरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या ये सारी जिम्मेदारियां तय हो पाएंगी तब जब आप प्राइवेटाइज हर चीज को प्राइवेटाइज करेंगे। क्या गवर्नमेंट सेक्टर में सरकार की भूमिका को कम करना या बढ़ाना देश के हित में क्या है नहीं है, अपने विचार दीजिए, ठीक है। आप अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखेंगे और हमारी सिस्टम का भी ध्यान में रखेंगे तो आपका जवाब बहुत बेहतर होगा। इन चीजों की जिम्मेदारी से क्या मुंह मोड़ा जा सकता है, क्या इन चीजों से समझौता करके देश की उन्नति को, उसकी डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सकता है, ठीक है। क्या प्राइवेटाइजेशन अकेला है या प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी कोई नियंत्रण होना चाहिए, तो तमाम सारे आस्पेक्ट आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर देश को चला पाना बहुत चैलेंजिंग होगा। और चूंकि इन सभी कामों में सरकार की स्पष्ट भूमिका होती है तो उसकी भूमिका जितनी कम होगी चैलेंजेस बढ़ेंगे। तो अगर आपको भूमिका कम करनी है तो जो निजी क्षेत्र आ रहे हैं उनके उत्तरदायित्व को कैसे तय किया जाए, इसके बारे में आपके विचार होने चाहिए, राय होनी चाहिए, नीतियां होनी चाहिए। तो एक सिविल सर्वेंट सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे को इन सारे पॉइंट्स के में यहां पे मदद मिलनी शुरू हो जाती, जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहां जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 वो दिया जाता है कि आखिर अगर आपके मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत सारे लोग पढ़ भी चुके हैं, हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि ऑल फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू अस अगेंस्ट द स्टेट। जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं यानी राज्य को कैसे आप किसको किसके खिलाफ मुकदमा करेंगे, तो वो राज्य मतलब क्या। तो आर्टिकल 12 डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है, हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे भी अपनी क्लासेस में, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषाएं हैं, क्या इन संस्थाओं के निजीकरण के बाद भी वो परिभाषाएं उतनी ही स्ट्रांग रहेंगी, क्या निजीकरण से वो जो क्षेत्र है राज्य का जो आर्टिकल 12 में है क्या वो क्या संकुचित नहीं होता। तो तमाम सारे जो टेक्निकल आस्पेक्ट है, आपको देखिए छोटा सा पैरा जो आपको शायद आप खुद पढ़ते तो ध्यान नहीं देते, लेकिन ये छोटा सा पैरा उन सारी चीजों को हाईलाइट करना शुरू कर देता है। तो जरूर आपको इन सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए अगला देखिए, ऐसे ही एनसीईआरटी मदद करती है, फैक्ट्स भी देती है, अंडरस्टैंडिंग भी देती है, तमाम सारे एस्पेक्ट में ये काम आना शुरू हो जाती है, सरकारों की भूमिका स्पष्ट होनी शुरू हो जाती है। ओके, अच्छा शायद आपको जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करने के लिए क्या है। तो हाँ, सच में अचरज तो हो रहा है। अब यहां पे कुछ एक्सरसाइजेस है, ठीक है, अब आ जाइए, करना क्यों, सरकारों के लिए सारे काम को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है। जाहिर सी बात हमने समझा, इंसानों से बना हुआ हम पत्थर तोड़ते हुए कबीलाई समाज में रहते थे, तो हमको अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट करने के लिए हमने समाज बनाया, उसी समाज ने फिर देश राष्ट्र का स्वरूप लिया बाद में, और उसी को चलाने के लिए हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित रहे, हम सबका जीवन यापन, मानवीय गरिमा और ज्यादा इंप्रूव हो सके, तो उसके लिए हमको इस सरकार की आवश्यकता होती है। वही बात ये कह रहा है कि कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो, ठीक है। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरीके के काम करती है, वो नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। ये भी बहुत जरूरी है कि सरकार, हमने समझा, नियम बनाती है मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी, निर्णय लेती है और अपने सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू कराती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम करती है और कोई विवाद होने पर न्याय भी देती है वो,
ठीक है, यहां अब अगर ये व्यवस्था नहीं रहेगी तो जो ताकतवर हैं केवल उन्हीं का शासन रहेगा, जो वंचित हैं, कमजोर हैं, किसी भी, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो कमजोर है तो उनके लिए व्यवस्था कैसी होगी। अब आज अगर कानून व्यवस्था बढ़िया है तो कोई दुबला पतला आदमी भी जो इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं, वो भी निडर होके चलेगा कि कौन हमको डिस्टर्ब करेगा। सिस्टम इज देयर, गवर्नमेंट इज देयर, इसीलिए संस्थानों का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये बात ये भी कह रहे हैं। चलिए आगे, फिर ये क्या कहते हैं, सरकार के स्तर, ठीक है, जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है वो क्या है। ये कहता है कि अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार के सारे इंतजाम कैसे करती होगी। जी आप बता दीजिए कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर, मोहल्ले से है। हमने ये बात अभी समझी है कि किस तरीके से अलग अलग लेवल पर ये काम करना है। ठीक है, राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है, मानचित्र, अच्छा अभी कुछ मानचित्र दिया हुआ है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम कर। अगला वाला टॉपिक जो मेरे ख्याल से पांचवा टॉपिक है शायद, ठीक है, वो इसी के बारे में, स्थानीय गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। यहां भारत का एक राजनीतिक चित्र दिया हुआ है, एक मैप दिया हुआ है जिसमें वो अलग अलग स्टेट को डिफाइन करता है। हमने बात भी समझी थी कि पूरा देश अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। ये सारी बात हम डिस्कस, ये मैप के माध्यम से ये दर्शा रहा है। ठीक है, ये भी इनका अलग प्रशासनिक प्रभाग है। ओके, अब आ जाइए सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। यानी यहां से ये सभी लोगों को वो कानून मानने होते हैं। आर्टिकल 14, एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ। सभी लोग कानून के समक्ष बराबर हैं। यहां वही चीज कि अगर कानून बना दे और वो मानने, सरकार के पास ये अथॉरिटी ना हो कि उसको मना दे, नहीं माना तो पनिश कर सकते हैं आप चाहे कोई हो। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ सेज कि एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के आगे बराबर हैं। आप किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो, आप कोई हो, अमीर, गरीब, आदमी, औरत, एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के आगे बराबर है। तो यहां यही बात ये कह रहा है कि सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानने होते। वी आर बाउंड टू फॉलो व्हाट स्टेट हैज, व्हाट लॉज स्टेट हैज मेड। जो भी कानून सरकार ने बनाए हम उसको मानने के लिए हम बाध्य हैं। केवल यही वो तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। ऑब्वियसली अगर सरकार के पास ये शक्ति ना हो तो सरकारें फिर, उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। तो यही वो तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। एग्जीक्यूटिव बॉडी, पुलिस सिस्टम इज देयर, आपने समझा है इसको। ठीक है, उदाहरण के लिए कानून है कि गाड़ी चलाने वालों के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है। तो जाहिर है जो अथॉरिटी है उसके लिए दंड की आवश्यकता है। दंड आपको रेगुलेट करने में मदद करता है। इसका मतलब ये भी है, इसको ध्यान यहीं पर सोचिए, इतनी लाइन में और क्या एक बात निकल के आ गई कि वी हैव अ लिबर्टी इन आवर कंट्री। आवर सिस्टम इज टॉकिंग अबाउट लिबर्टी, स्वतंत्रता की बात करता है लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है। वी आर अबाइड बाय द लॉज। ठीक है, हम कानून से भी बंधे हुए हैं तो हम स्वतंत्र हैं, हम लिबर्टी हमको प्राप्त है। वी आर नॉट फ्री टू डू एनीथिंग व्हाट वी वांट टू डू। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। नहीं, देयर इज अ लॉ, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको कानून मानने ही पड़ेंगे। तो यहां आप देखिए, यहां आप पढ़ेंगे 19, आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, अलग अलग स्वतंत्रताएं हैं लेकिन उन सब पे रिस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है। तमाम सारे और कानून, इसने उदाहरण भी दिया कि गाड़ी चलाना है तो लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, और नहीं हुआ तो आपको सजा हो सकती है, जुर्माना लग सकता है। तो हमारा जो फ्रीडम है बेसिकली वो एक रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम है, इसीलिए हम उसको लिबर्टी कहते हैं। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है, एक उत्तरदायित्व क्रिएट करता है कि हम स्वतंत्र हैं लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता का ख्याल रखते हुए। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो इस बात को और डिटेल में समझेंगे।
तो सरकार का काम होता है कानून बनाना, न केवल उसका कानून बनाना काम होता है बल्कि उसको लागू कराना भी उसकी जिम्मेदारी है, और इसके लिए वो शक्ति का इस्तेमाल भी कर सकता है। ओके, फिर सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वो भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया जा रहा है तो वो न्यायालय जा सकता है, ठीक है, और ये दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। आप देखिए यहां तमाम सारे, आप ये सब इन सारी बातों को फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है, और यहां वो न्यायालय में जा सकता है। ये भी कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डिटेल में ये सारी चीजें पढ़नी है। यहीं से निकलते हुए आते हैं संविधान बनाने के पीछे ये सारे चीजें, ये सारी बातें आप अलग इन सभी आर्टिकल्स में डिटेल में पढ़ेंगे भी। ओके, फिर सरकार के प्रकार, ये प्रकार बताता है कि सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। तो कौन देता है, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। ठीक है, यहां से चीजें थोड़ी सी बदल रही, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से इसको समझते चलेगा। चलिए अब आइए देखते हैं इस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। अब देखिए एक शब्द तो यही आ गया, लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, रूल ऑफ पीपल। स्मार्ट बोर्ड पे राइटिंग अच्छी नहीं बनती। ओके, रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन। ठीक है, जनता का शासन, यहां यह शक्ति, लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं, यानी हम ही अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो हमारे ऊपर शासन करते हैं। मतलब हम ही यह शक्ति देते हैं सरकार को कि वो हमारे ऊपर शासन करे। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों उठाए गए कदमों के आधार पर बताना होता है कि, और बताना होता है और सफाई देनी, यानी लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय उठाए गए कदमों के आधार पर सफाई देनी होती है, बताना होता है। यहां फिर संविधान की, अगर प्रश्न पूछा जाए कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, फटाफट कमेंट कीजिए कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू हूम, किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, और ये वाली बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई, आर्टिकल भी बताइए। ये सारे कुछ मैं होमवर्क भी दे रहा हूं, अगर आपको पता नहीं है तो पता कीजिए। ओके, तो यहां ये कह रहा है लोकतंत्र में चूंकि जनता की ही सरकार होती है, सरकार ही अपने प्रतिनिधियों को चुनती है वोट के माध्यम से और फिर वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप देखिए एक ही एनसीईआरटी कितनी सारी चीजें, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सारी किसी न किसी अनुच्छेद में लिखी गई है संविधान में। अच्छा, फिर कह रहा है एक दूसरी तरीके की सरकार होती है जिसमें राजतंत्रीय सरकार कहते हैं, जैसे इंग्लैंड में है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही उसे अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती। जी बिल्कुल ऑब्वियस है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है तो उसका उत्तरदायित्व रहेगा ही रहेगा, और क्या नाम है, राजतंत्र में इस तरीके का उत्तरदायी नहीं होता है। राजा, राजतंत्र में राजा अल्टीमेट अथॉरिटी होता है फॉर टेकिंग डिसीजंस। किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया, सभी ने गलत जवाब दिया, और कई लोगों ने तो गलत जवाब दोहरा दोहरा के दिया, कई बार दोहरा के दिया। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है लोकसभा के प्रति। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थी हैं, एटलीस्ट पीसीएस के लिए तो कोशिश कर ही रहे, तो ये सारे जो आंसर देना ब्लंडर है। पढ़िए, इसका मतलब कि आप खुद से नहीं पढ़ रहे, जरूर पढ़िए।
ठीक है, क्लासेस में तो हम इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे प्रश्न गलत नहीं होते कभी। ओके, अब आ जाइए। ओहो, यहाँ एक राजा साहब की सुंदर सी फोटो भी बनी गई है। पता नहीं राजा साहब उतने सुंदर वाकई होंगे कि नहीं रियली में, लेकिन बढ़िया फोटो है इनकी। ओके, अब आइए लोकतांत्रिक सरकार। यहां एक कुछ नोट्स दिया है, ये थोड़ा सा आप ध्यान दें। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? ये भी आपका भी सवाल है, ये आपका भी सवाल है। और इस तरीके के आधारित बड़े सारे प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी मेंस में, बीसीएस मेंस में, एसएस तो खूब सारे आते हैं। ठीक है, अभी एक प्रश्न शायद 2015 में आया था कि भारत के मरते हुए सपने, कुछ इस तरीके का एसे का टॉपिक था। बड़ा खूबसूरत टॉपिक था जो आपके डिस्क्रिमिनेशन को बताता है, भेदभाव जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां प्रश्न है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करती। क्या आप इस बात से सहमत है? तो आप हैं कि नहीं है, एक बार जरा अपना एक आंसर लिखिए आप, तो शायद आपको अपनी लिमिटेशंस का पता चले। ओके, आपके यहां जिस प्रकार की शासन व्यवस्था, उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों? यानी आप जैसी भी शासन व्यवस्था में रह रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं तो क्यों हैं? और अगर इसके अपोजिट कुछ और विकल्प आपके दिमाग में है तो वो क्यों है, वो भी एक बार आप जरा सोचिए। ये सारे एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे एक्सरसाइजेस आप सबके भी बड़े काम के हैं। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। ये तो स्टेटमेंट गलत है, राजतंत्र में होती है। ठीक है, चलिए फिर हम अपनी लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं, हालांकि अभी आगे भी लोकतंत्र के बारे में और बहुत डिटेल में पढ़ना है। ओके, भारत एक लोकतंत्र है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। जी बिल्कुल, बड़े लंबे सालों तक हमने संघर्ष किया और ये ऐसी व्यवस्था है लोकतंत्र जहां सत्ता हस्तांतरित हो जाती है बिना एक बूंद खून बहाए हुए। ये लोकतंत्र मानव कि तमाम सारी उपलब्धियों में से, जो इंसानों ने तमाम सारी खोजें की हैं हर क्षेत्र में, लोकतंत्र उन महान उपलब्धियों में से एक है कि पूरी की पूरी सत्ता परिवर्तित हो जाती है बिना एक भी बूंद खून बहाए हुए। बहुत अमेजिंग है। लोकतंत्र की स्थापना के पहले ऐसा संभव नहीं था। ओके, संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है, रूल ऑफ पीपल, हमने भी ये बात कर ली है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। मतलब जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, लोकसभा में भेजती है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अलग अलग विधानसभा में भेजती है और कानून लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करती है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर, अच्छा यहां वोट देने का सिस्टम है, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वो केवल एक वोट दे सके। अच्छा, ये भी बड़ा यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी बोलते हैं, एक व्यक्ति एक वोट, इसका भी बड़ा महत्व है। ये केवल एक वोट दे सके, इसका महत्व भी है कि यहां हमारे पास वोट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे अंबानी जी का वोट हो या रिक्शे वाले का वोट, दोनों के वोट का महत्व बराबर है। तो चुनाव के समय नागरिक की हैसियत से दोनों की स्थिति में कोई बड़ा ऊंचा नीचा, कोई भी किसी भी आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ओके, सारी जनता के लिए निर्णय लेते, मतलब हमारे प्रतिनिधि सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी देश जो ये कहता है कि साहब हमारे देश में वयस्क, जितने वयस्क हैं वो सभी वोट देने का अधिकार नहीं, हमेशा से ऐसा नहीं था। आज आप कहते हैं कि नहीं साहब हमारे पास यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है, हमारे पास मताधिकार है, ठीक है हम कोई भी जो भी वयस्क है वो मताधिकार दे दें। तो हमने तो ये अपने देश की आजादी के समय से ही ये कर लिया, लेकिन ये हमेशा से नहीं था। पहले अंग्रेज सभी को अधिकार नहीं देते थे, अभी ये बात भी करेगा। ठीक है, देखिए यही बात कह रहा है, हम पढ़ ही लेते हैं क्या ये कह रहे हैं, इन्हीं की भाषा समझते हैं।
कि लेकिन हमारे लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देते? जी बिल्कुल, 1935 के पहले तक या 1935 तक भी कह लीजिए, ठीक है, अंग्रेजों के शासन दौरान यही था। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने, मतलब महिलाओं को तो वोट ही नहीं दे सकते, यानी औरतें तो वोट दे ही नहीं सकती थी, पुरुषों को भी वोट देना था, पुरुषों में भी गरीब वोट नहीं दे सकते थे, और उन्हीं पुरुषों को वोट देना था जो पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी, यानी पढ़े लिखे और धनवान लोग ही वोट दे सकते थे। अच्छा, अंग्रेज तो ये मानकर ही शासन करते थे कि हमारे पास शासन करने की अकल नहीं, ठीक है, वो हमेशा से ये मानते थे। और वैसे भी मेन वजह तो ये थी कि अगर जनता की सहभागिता बढ़ेगी तो उनकी वैल्यू कम होगी, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है शासन में वो अपने आप कम होने लगेगा। तो इस बात को भी डिसाइड करने के लिए अंग्रेजों ने क्या व्यवस्था की कि एक तो महिलाएं वोट नहीं करेंगी और गरीब लोग वोट नहीं करेंगे, यानी पढ़े लिखे, और पुरुषों में केवल पढ़े लिखे लोग वोट करेंगे और जिनके पास संपत्ति है वोट करेंगे। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। आप सोचिए, क्या आप ऐसी व्यवस्था को लोकतंत्र कहेंगे? क्या इसमें सबकी सहभागिता है? नहीं है, ये लोकतंत्र की परिभाषा में फिट नहीं बैठता। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे, यानी पढ़े लिखे और अमीर पुरुष जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देंगे, सारा देश उसी पर चलेगा। क्या ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक होगी? बिल्कुल नहीं होगी। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया, उन्होंने भी जोर शोर से मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया, देखिए ये फैक्ट भी आ गया, यंग इंडिया पत्रिका, गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका, ये कई सारे पीसेस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। यंग इंडिया पत्रिका में वो लिखते हुए कहते हैं गांधी जी कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वो वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसे गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। बड़ा इमोशनल सा एक लेख था। तो गांधी जी का कहना था ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है कि केवल अमीर दें, पढ़े लिखे लोग दें, ठीक है, क्योंकि अकेला पैमाना नहीं हो सकता नागरिक होने का। ओके, यहां एक डाटा दिया हुआ है वोट्स फॉर वुमेन के लिए। संसार में कहीं भी सरकारों को स्वेच्छा से अपनी शक्ति जिसके पास ताकत रहेगी वो अपनी मर्जी से क्यों बांटेगा? तो कहता है पूरे सरकार ने, मतलब पूरे संसार में हर जगह नहीं बांटी, पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मौजूद, मतलब यूरोप में भी, ऐसा नहीं अंग्रेज केवल भारत में डिस्क्रिमिनेशन करते थे, यूरोप में भी महिलाओं को अधिकार नहीं था वोट देने का। यूरोप में तो इंग्लैंड की अगर हम बात करें 100 साल से ज्यादा लग गए जब वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई, राजतंत्र बिल्कुल केवल नाम मात्र का रह गया, उसके बाद भी लगभग 100 साल लगे उनके यहां अपने महिलाओं को अधिकार देने में, और अमेरिका को लगभग 144 साल, मतलब वो कई बार लेके लगे अपने देश को, अपने देश की महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने के लिए। अच्छा, फिर यहां आंदोलन पकड़ा, महिलाओं ने वोटिंग के लिए आंदोलन किया, अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सफ्रेज मूवमेंट, ये परीक्षा में, किसी परीक्षा में ये पूछा भी गया, सफ्रेज मूवमेंट इज रिलेटेड टू, ठीक है, वुमेन वोट मूवमेंट फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स इन वोटिंग सिस्टम। वो राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए महिलाओं द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था, ठीक है, जिसको सफ्रेज मूवमेंट कहा जाता था। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, ठीक है, हो सकता है इस शब्द का मतलब भी पूछ ले कि निम्न कथन में से सत्य छांटिए। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं मतलब इन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। हमने अपने दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ा था डिस्क्रिमिनेशन,
और डिस्क्रिमिनेशन में पढ़ते हुए समझा था कि किस तरीके से स्टीरियोटाइप थॉट्स होती है हमारी रूढ़िबद्ध विचारधारा है कि महिला है ये तो ऐसा ही करेगी। तो ये बता रहा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध में ज्यादातर पुरुष युद्ध में इन्वॉल्व थे, लड़ाई में, वॉर में इन्वॉल्व थे, तो महिलाओं को उनके काम को करने के लिए बुलाया जा रहा था, और जब उन्होंने परफॉर्म किया महिलाओं ने, तो लोग हक्के बक्के रह गए कि यार ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था, कमाल की परफॉर्मेंस थी उन महिलाओं की। ठीक है, इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं को वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध कर खड़ा, अपने आप को एक साथ इकट्ठा होती थी और लोहे की जंजीरों से बांध देती थी। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गए और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, ये प्रश्न बन जाता है एक फैक्ट, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। ये 1928 में ये अधिकार इनको मिला था, और आपको स्विट्जरलैंड में ये 1974 में मिला था, और हमारे देश में जिस दिन हम आजाद हुए 1947 में, तभी से ये था कि अब अगर चुनाव होगा तो महिलाएं भी वोट देंगी। हमारा देश जन्म लेते ही अधिकार हमारे देश में महिलाओं को मिल गया। और आपको मालूम होगा कि 1988 में 62nd अमेंडमेंट 62वां 1988 में राजीव गांधी जी की सरकार थी, 62वां संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारे यहां पहले 21 वर्ष की आयु थी उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। यानी हमारे यहाँ वोट देने का, देखिए एक फैक्ट मैंने ये भी बता दिया आपको कि हमारे यहाँ वोट देने का वर्तमान में अधिकार क्या है, 18 वर्ष। लेकिन ये हमेशा से नहीं था, हमेशा से क्या था, 21 वर्ष। ये 18 वर्ष कब किया गया, 1988 में 62वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। ओके, ये तो कुछ फैक्ट्स थे, अब आ जाइए। अच्छा, अब यहां फिर कुछ एक्सरसाइजेस आपके सामने आ गई है कि ये सारे देखिए, एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां इस वाले टॉपिक में सरकार के बारे में जो मोटे तौर पे जानकारी थी वो यही इतनी जानकारी थी। अगली क्लास में जो अगला टॉपिक है उसमें हम इन्हीं चीजों को कंटिन्यू करेंगे, और क्या कहते हैं, जो और आपके डिस्कशन होंगे, जो और चीजें रिलेटेड होंगी वहां पर आपसे इस पे बात करेंगे। कई सारे लोगों का प्रश्न है कि साहब क्वेश्चंस भी डिस्कस होने चाहिए, कई लोग कहते हैं नोट्स करा दीजिए। तो चूंकि ये कोई फॉर्मल क्लासेस नहीं है, यहाँ इन क्लासेस का उद्देश्य है कि टॉपिक्स के बारे में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, आपकी एक समझ बन जाए, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद ही नोट्स बनाइए, उस पर कुछ आवश्यकता हो तो जरूर मेरे से पूछ लीजिएगा। आपके सेल्फ नोट्स ही ज्यादातर काम आएंगे, बीच बीच में कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा। मोटिव ये है कि यहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, आप एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू होते जाएं, फिर जब प्रॉपर हम क्लासेस करेंगे तो वहां मैं आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं वो सारी चीजें आपको नोट कराता रहूंगा। ठीक है, तो यहां इन वाले सेशन का अर्थ, यहां सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर एनसीईआरटी चूंकि वो ऑथेंटिक है, बहुत इजी है, और आपके बेसिक स्ट्रक्चर को, मतलब जो पूरी व्यवस्था है हर विषय की, हर विषय का अपना एक बेसिक पहलू है, उसको समझने में एनसीईआरटी की पुस्तकें बहुत मदद करती हैं। तो हम इन्हीं उद्देश्यों से कि कई बार एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए मैं बच्चे रह जाते हैं, आप खरीद के भी लाते हैं, डाउनलोड करके पीडीएफ इकट्ठा करके नहीं कर पाते, लेकिन अगर वीडियो में हम आपके साथ खुद ही डिस्कस कर ले, क्लासेस में हमको ये मौका नहीं मिलता, क्लासेस में हम फुल फ्लैट पॉलिटी, मैं आपसे पॉलिटी डिस्कस करता हूँ, कई बार इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक आपसे डिस्कस करता हूँ, तो आपने जिन लोगों ने मुझे क्लासेस में देखा है तो वहां हम कहाँ बात कर पाते हैं एनसीईआरटी की। तो चूंकि अभी एक प्रयास है कि आपके साथ, मेरे साथ आप पढ़ लीजिए, ताकि इसके जो आयाम है, अलग अलग आयाम है, वो भी आपको समझने में मौके, आपको आपकी समझ और बढ़े। तो चलिए फिर आज इतना ही, अगली क्लास में फिर अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे फिर, थैंक यू।